हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12 बायोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है, आप सही मिला लेंगे, अध्याय फर्स्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में। पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आप बोर्ड एग्जाम में जो है एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बच्चों यहाँ जो हमने टोटल जो है इस चैप्टर का 22 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि ये 2200 क्वेश्चन आपके 10 साल से लगातार पेपर में आ रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो 2024 के बोर्ड परीक्षा में भी बच्चों आपके इसी 22 में से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपके सभी सेट में, ठीक है। तो ये दोस्तों बायोलॉजी का ये पहला क्लास है और धीरे धीरे इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लेकर शुरू करेंगे और इसी तरीके से हम आपको बताते हुए पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे एग्जाम आपका नज़दीक हो जाएगा तो उस समय हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप जो है कम समय में अच्छा रिस्पांस कर सके बोर्ड एग्जाम में। जिस तरीके से इस बार 2023 में आप सभी को बताते चले, जिस तरीके से 2023 में बच्चों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया था, इस बार बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चे ने कह सकते हैं 84 नंबर प्लस स्कोर किए थे। 84 किसी का आया था, किसी का 85, 86, 87, 89, 90 तक जो है बच्चों ने स्कोर किया था और इसके नीचे भी स्कोर किए थे, ठीक है। तो आप भी जो है जैसे बता रहे हैं वैसे अगर इंपॉर्टेंट धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं तो एक समय आ जाएगा आप जीव विज्ञान में अच्छे से तैयारी कर लेंगे जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को इस क्लास को ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जो है क्लास से जुड़ सकें। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं तो आप सभी का स्वागत, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ आप घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिंक दिया गया है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइए ताकि जितने भी क्लास चलते सबका जो है लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, टेलीग्राम पर शेयर करते हैं ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। बाकी कुछ भी हमें फ्री में पीडीएफ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देना होता है तब जो है हम आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ शेयर कर देते हैं ताकि हमारे जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए उन लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। तो सभी बच्चे जो चैनल टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाइएगा। अब चलिए बच्चों बात करते हैं, बेसिक शुरू करते हैं और आज ये पहला ही क्लास है, धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और एक अंक से ही क्वेश्चन आपके जो है क्लासेस शुरू करें बायोलॉजी। इसी तरीके से बच्चों आने वाले समय में सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे प्रिपरेशन कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे ताकि क्वेश्चन भी आप देखें तो आपको ये लगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका सही आंसर किस तरीके से हमें देना चाहिए, सब कुछ जो है इसी क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है कि युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक है। उत्तर में आप एक अंक में है तो ज़्यादा आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा आंसर आप इसका देंगे कि जब किसी पुष्प के, ध्यान सुनिएगा, जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं यानी कि मिले होते हैं तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो लिया हुआ है वो आपके 17 से लिया हुआ, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में हर बार 10 साल से जो क्वेश्चन रहते हैं उसी में आगे पीछे करके पेपर सेट किए जाते हैं और उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको 2024 के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा भी, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है बच्चों यहाँ पर कि चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं। अब देख सकते हैं पुंकेसरी या पुंकेसर वह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बन सकते हैं हमने एक साथ सेलेक्ट किया हुआ है। तो चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं 2017 में दूसरे सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर आप लिखेंगे जब एक पुष्प के चार पुंकेसर, ध्यान सुनिएगा, जब एक पुष्प के चार पुंकेसर लंबे और दो पुंकेसर छोटे हों तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। नाम से क्लियर, चतुर्दीर्घी यानी कि दोस्तों पुष्प के चार पुंकेसर क्या होंगे, लंबे होंगे और दो पुंकेसर छोटे होंगे तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। अब जैसे में हम कह सकते हैं सरसों के पुष्प, यानी बच्चों सरसों के फूल आप देखे होंगे तो चतुर्दीर्घी पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। उदाहरण में आप इसको नोट करिएगा। इसका दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि युक्त कोशी दशा क्या है, यानी युक्त कोशी दशा क्या है। ये बोर्ड एग्जाम 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था तो आप लिखेंगे आंसर कि इसमें केवल पराग कोष ही आपस में जुड़े रहते हैं तथा पुंत तंतु जो है स्वतंत्र रहते हैं जैसे गेंदे में, ठीक है।
ये आपको पता चला युक्त कोशी, यानी कि दोस्तों इसमें केवल पराग कोष ही आपस में जुड़े होते हैं तथा पुंतंतु स्वतंत्र रहते हैं, वो आजाद रहते हैं। ऐसे में जैसे में एग्जाम्पल आप गेंदे का फूल देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। अब बच्चे ये वाला इंपॉर्टेंट में है, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में पेपर में आया, 2018 के भी पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों जौ या गेहूं के 100 दाने, ध्यान सुनिए, 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि अगर बायो है तो बायो में दो चार फिगर आपको बनाना हर पेपर में अनिवार्य रहता है, यानी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है या तो एक अंक में पूछ सकता है या दो अंक में आपको डायरेक्ट नामांकित चित्र पूछता है। तो इसमें भी हमने कुछ फिगर सेलेक्ट किए हुए हैं, आप इसको बनाकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन अगला है कि अपरिपक्व पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 2018 में क्वेश्चन बच्चों आया था, तो ये फिगर आप देख लीजिए, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख करके जो है इसको आप पेन कॉपी से बना करके हैबिट कर लीजिए, क्योंकि बायो पढ़ रहे हैं तो आपके पेपर में 4 से 5 फिगर आपको तो बनाने के लिए मिल जाएगा। या तो डायरेक्ट पूछेगा या तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा, तो भी वहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से ही दर्शाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो छठा, ये भी हमने फिगर से लिया, लेकिन इसको आप सभी बच्चों जो है वेरी इंपॉर्टेंट में लेकर के आइएगा, नोट कर लीजिएगा। और आने वाले समय में हम एक या दो वीडियो अलग से लेकर के आएंगे, जो कि पूरे आपके जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर अब तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में, सबको हम सेलेक्ट करके आपको बताएंगे। उतना फिगर जो है 20-22 फिगर है, उसको जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसी से आपको क्वेश्चन जो है चित्र बनाने के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर परिपक्व परागकोशी अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, 15 में 17, 18, 19 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। फिगर बच्चों आपके सामने आप देख पाएंगे, इसको बनाने की हैबिट आप जरूर करिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं, जो 17 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो परिपक्व भ्रूण कोष 8 केंद्रीय एवं 7 कोशिकीय होता है, किसका पूछा होगा भाई, तो भ्रूण कोष में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर परिपक्व भ्रूण कोष में 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भ्रूण कोष का विकास आवृत्ति बीजी पौधे में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ये देख सकते हैं 2017 में क्वेश्चन आया, तो द्विनिषेचन के पश्चात होता है। ध्यान सुनेगा सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे कि भ्रूण कोष का जो विकास होता है वो आवृत्ति बीजी पौधे में द्विनिषेचन के पश्चात या फलस्वरूप होती है, ठीक है, ये इसका आंसर आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9वां है कि एक प्रारूपी आवृत्ति बीज बीजांड के भागों का विवरण दिखाते एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र आपको बनानी है, ये है बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। इस फिगर को भी आप बनाकर तैयार करिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साथ में बच्चों आपका 2015, 17, 18 और 19 में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा। फिगर बच्चों आपके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रारूपी आवृत्ति बीजांड का चित्र कैसे बनाना है, ऐसा नाम आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रजनन की पालमेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है, 2015 का क्वेश्चन है। दोस्तों प्रजनन की पालमेला स्टेज जो है क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये वाला 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, क्योंकि 2022 में आया तो 24 में भी ये रिपीट कर सकता है कि पुष्प में दल क्या कार्य करता है, यानी पुष्प में जो दल होता है वो उसका कार्य क्या है। तो पुष्प में दल जो है वो परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि आभासी यानी कि मिथ्या फलों के कोई दो उदाहरण आपको लिखना है, या आपसे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए, इसको भी बच्चों आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइए और साथ में अभी याद कर लीजिएगा कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम अगर पूछेगा तो एक आप सेब दीजिएगा, दूसरा स्ट्रॉबेरी आप इसमें लिख दीजिएगा, ये दो आपका सही आंसर हो जाएगा। आभासी फल इसी को बोलेंगे, मिथ्या फल भी बोलेंगे इसी दोनों को, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण कोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। 2019 क्वेश्चन है, तो चना
और सेम है, ठीक है। दो बीजों के नाम आपको लिखना है जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, तो जिसमें आप चना और सेम साइज का आंसर आप दो देंगे। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के आपको नाम लिखना है, तो जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका इसका सही आंसर होगा। दो कोशिका आप दिखा देंगे, जनन कोशिका और वर्धी कोशिका। 15 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए, तो साल्विया का पौधा वेरी इंपॉर्टेंट, साल्विया का पौधा याद रखिएगा कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम क्या है, साल्विया का पौधा, ठीक है, ये आप तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका 16 नंबर क्वेश्चन कि मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख आपको कीजिए, या कहा है कि सरस गूदेदार फल के दो लक्षण आपको लिखनी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मांसल दिया है, यानी कि दोस्तों वह फल जिसमें क्या हो, मांस था यानी गुद्दा हो, गूदेदार हो, ठीक है, या सरस हो, ठीक है, वो उसका लक्षण आपको यहाँ पर बतानी है, किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बतानी है। तो उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, जिन फलों की फल भित्ति, यानी कि जिन फलों की फल भित्ति सरस और गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति तथा अंत फल भित्ति में विभेजित किया जाए, यानी इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है फल भित्ति, इसमें एक बाह्य फल भित्ति होगा, एक मध्य फल भित्ति होगा और एक अंत या आंतरिक फल भित्ति होगा, ठीक है। ये फल अस्फोटक होते हैं जिस कारण इनके बीच गुद्दा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। तो गूदेदार फल आपको तो अब आंसर में आप बता ही सकते हैं, जान ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुष्प क्रम किसे कहते हैं, साइथियम पुष्प क्रम का एक नामांकित आपको चित्र यहां पर बनानी है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि साइथियम पुष्प क्रम किस पौधे में पाया जाता है, या साइथियम पुष्प क्रम का आपको वर्णन करना है। 23 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन आया, तो इसको आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। तो पुष्प क्रम इसका बारे में आप लिखेंगे, पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं, यानी कि पुष्पों के पुष्प अक्ष, ठीक है, पर लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। साइथियम पुष्प क्रम का नामांकित चित्र बच्चों आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बनाने का हैबिट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों कि आम के फल के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र आपको बनानी है, या आम के फल की खड़ी काट का नामांकित आपको चित्र बनानी है, ये भी आपका बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नामांकित चित्र तो ये आप बना सकते हैं, आम तो बचपन से ही बनाते आ रहे हैं, इसका आप फिगर बना सकते हैं, आम के फल की कटी खड़ी काट का, यानी इसको काटा हुआ जो आम है उसको अगर बीच से काट देंगे तो कैसे दिखेगा, उसी का आपको फिगर यहाँ पर बनानी है। इसका तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि जली परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे के आपको नाम लिखनी है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जली परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे के नाम या एक पौधे के नाम क्या होगा, तो एक तो हो जाएगा आपका नाजा हो जाएगा, दूसरा हाइड्रीला का पौधा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रीला का पौधा आप याद रखिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 20 है कि टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है, 2022 में क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ है, इसका उत्तर लिखेंगे टेपिटम पराग कोष की सबसे आंतरिक परत होती है, ध्यान सुनेगा, टेपिटम जो है वो पराग कोष की सबसे अंदर की परत होती है, यह विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन, यानी कि दोस्तों क्या होती है, एकदम सघन होती है और जीव द्रव्य से भरी होती है, ठीक है, और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है, ये इसका आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका के क्रोमोसोम्स की संख्या आपको लिखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 22 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन आया है, 23 में भी शायद आया था, ये 24 में आपसे रिपीट कर सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अंड कोष की जो संख्या होती है वो 21 होती है और युग्मनज कोशिका जो होती है वो कितनी होती है, 42 होती है, दोनों का आंसर सही से याद रखिएगा, ठीक है, बहुविकल्पी में क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है, यहाँ आप देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पूछा है कि भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है, तो द्वितीयक केंद्रक यानी कि टू यन तथा एक नर केंद्रक यानी कि यन के सले यानी कि उन दोनों के मिलन से
भ्रूण पोष केंद्र का निर्माण होता है, इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। बच्चों इसमें अलग अलग क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पी में पूछा गया है, याद रखिएगा कि भ्रूण पोष केंद्र का निर्माण में जो है द्वितीयक केंद्रक होती है, यानी द्वितीयक केंद्रक यानी 2N तथा एक नर केंद्रक के मिलने से जो भ्रूण पोष केंद्र का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3N होती है, याद रखिएगा। इसमें घुमा फिराकर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका जो PDF है बच्चों हम आपको टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना EXCELLENT एग्जाम सर्च करेंगे बच्चों, चैनल आ जाएगा पहले ही, आप उसमें ज्वाइन हो जाएगा ताकि हम जो भी PDF या क्लास का जो लिंक भेजें वो उसमें आपको मिल जाए। सर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सबसे पहले टेलीग्राम का डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। सर बच्चों आप सभी की बेहतर पढ़ाई के लिए हमने व्हाट्सएप ऐप का ग्रुप बनाया हुआ है, तो बाय वाले बच्चे बाय वाले ग्रुप में जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। और उस ग्रुप को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जुड़े। और बेसिक से जितने भी क्लासेस इंपॉर्टेंट बताते चल रहे हैं, आप स्कूल के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं आपको नोट करवा रहे हैं, इसको भी आप साथ में नोट करते हुए याद करते हुए आइए चलिएगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सभी क्वेश्चन आपको इसी में से आपको दिखेंगे भी, ठीक है। बाकी दोस्तों आने वाले समय में ये आपका 1 अंक का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में जब हम बायोलॉजी क्लास लेकर के आए तो उसमें जो भी इस चैप्टर का बहुविकल्पी है इंपॉर्टेंट वो हम आपको करवा दें। इसके बाद दोस्तों आपके 2 अंक 3 अंक और 4-5 अंक वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो धीरे धीरे हम एक क्लास के माध्यम से आप सभी को पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद बच्चों की ये क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में ये 22 क्वेश्चन आपके 1 अंक में आप तैयार कर लेंगे तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर एक बार आप सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करना है सभी स्टूडेंट को, जितने भी हमारे प्यारे छात्र विद्यार्थी हैं आप ज़रूर शेयर करिएगा, हर रोजाना क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम बिल्कुल मेहनत और फ्री में सब कुछ क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सिर्फ इतना करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को क्लास को शेयर करिए, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए ताकि सभी बच्चे जो है चैनल पर आ सके, इतना आप सभी जरूर किया करिएगा, ठीक है। साथ ही जो बच्चे चैनल पहली बार आए तो आप सभी का स्वागत है, आपसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि जो भी क्लासेस हम लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ में आप सभी बेहतर तैयारी के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो इससे आपकी पढ़ाई और भी शानदार और भी ज़बरदस्त होगी। तो आज का सेशन बच्चों यही समाप्त कर दे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।